Here I am going to start the important topic and question answer of the play Hamlet. In this video, I will discuss this topic in Hindi. I have made 4 question in one answer. 4 question diye gaye hain as a revenge play, as a tragedy, a play within play, a character sketch of Hamlet. इसमें चारों question में से यदि कोई भी question पूछता है या topic आती है तो आप इसका answer लिख सकते हैं. So let's begin. Hamlet is a revenge play, tragedy and play within play and full of supernatural element composed by a world famous dramatist William Shakespeare. Hamlet is the central figure and hero of the drama. He present in the drama from beginning to the end. It is revenge play. It saw murder and revenge and followed the ghost intrigue, madness, unsure hero, which reduces the spectator sympathy of the hero. ये यहाँ पर मैंने एक पेज का इंट्रो लिखा है इस क्वेश्चन आंसर का कि यहाँ का सेंट्रल फिगर कौन होता है. हैमलेट होते हैं और ये शुरू से लेकर लास्ट तक होते हैं और एक ट्रेजेडी के लिए जो जरूरी होता है वो एलिमेंट है, मर्डर है, एवेंज है और गुप्त षड्यंत्र है और ये घोस्ट के अटैचमेंट को मान के चला गया है. पागलपन दिखाया गया है जो कि एक ट्रेजेडी के लिए जरूरी होता है और ये ही सब इसमें बताया गया है. इट इज डेवलप्ड बाई एलिजाबेथेन रिवेंज. इट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी. एलिजाबेथेन क्या मतलब होता है कि यहाँ पे रिवेंज प्ले कैसे होता है. हैमलेट प्ले का जो स्ट्रक्चर है एलिजाबेथेन या जोकोबिन ईरा के आधार पर किया गया है. दोनों का नाम है ईरा और ईरा एक एज है, एज का नाम है. और इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेनिश ट्रेजेडी. स्पेनिश ट्रेजेडी इस्टेब्लिश्ड ऑफ ए न्यू जेनरा इन इंग्लिश थिएटर. या रिवेंज प्ले कह सकते हैं या ये रिवेंज ट्रेजेडी होता है जो कि पहली बार वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंग्लिश थिएटर में जिसका एग्जाम्पल है. इट इज़ द ट्रेजडी ऑफ थॉट और एक्सेसिव आइडियलिज्म. एक्चुअली ट्रेजडी इज अ काइंड ऑफ ड्रामा डैट डील्स विद द सोरोफुल और हॉरिबल एंड टॉरिबल साइड ऑफ लाइफ. ट्रेजडी क्या है, यहाँ हैमलेट में दिखाया गया है कि एक्सेसिव थॉट होता है, एक्सेसिव आइडियलिज्म होता है, बहुत ज़्यादा आदर्शवाद और बहुत ज़्यादा विचारों का एक प्ले है जिसमें एक ट्रेजडी के बारे में बताया गया कि ये ट्रेजेडी का मतलब होता है एक लाइफ के जो दुख है बहुत ही आतंकित भयभीत साइड ऑफ लाइफ का दिखाया जाता है, डैट इज ट्रेजेडी. और उसमें क्या होता है, हीरो बहुत ज़्यादा दुख झेलता है लाइफ में और लास्ट में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, मतलब दुखांत होता है अंत भी उसका, डैट इज ट्रेजेडी. Here the hero fall and suffer and dies. The cause of his fall and death have been considered differently in different ways. But here Shakespeare has been followed Aristotle in his prospect. हर जगह मतलब हर एज में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, बट यहाँ पे जो शेक्सपियर हैं वो एरिस्टोटल को फॉलो किए हैं और एरिस्टोटल बहुत ही फेमस पोएट हैं, यू नो डैट. और उनका जो मैंने एक डेफिनेशन लिखा है ट्रेजडी का, यू विल नोट डाउन, यू कैन. A tragedy then is the imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude. You will learn. And dusra maine definition likha, according to Oxford dictionary, tragedy means a serious play with a sad ending, especially one in which the main character dies. This is a definition. In true sense, Shakespeare tragedy is a story of exceptional calamity leading the death of a man in high state. Such is it Hamlet following or the chief element of Shakespeare tragedy Hamlet. Hamlet में क्या है जो कि chief element है, मुख्य जो कारक होते हैं एक tragedy के लिए, उसमें आपने यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि क्या क्या आवश्यक एलिमेंट होते हैं एक ट्रेजडी को बनाने के लिए. और ये जो होता है ना अपवाद आपदा पे आधारित है इनका जो हैमलेट का ड्रामा है. और यहाँ पे एलिमेंट ये आप डिस्कस करते हैं. द ट्रेजिक सेंट्रल कैरेक्टर किसका रहता है, हैमलेट का. द ट्रेजिक फ्लॉ रहता है एक्सेसिव आइडियलिज्म. द सफरिंग ऑफ द हीरो हैमलेट.
हीरो का सफरिंग दिखाता है, कष्ट दिखाता है। द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द माइंड, असामान्य स्थिति दिमाग की हेमरेट की रहती है। द सुपर नेचुरल एलिमेंट, द घोस्ट, अलौकिक शक्तियाँ। द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल, बिटवीन हेमलेट एंड क्लॉडियस। हेमलेट क्या होते हैं? गुड रहते हैं, क्लॉडियस बैड रहते हैं। ट्रेजिक डेथ भी होता है जो कि ट्रेजडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दो पेज मैंने यहाँ, इस पिछले पेज और ये पेज मैंने ट्रेजडी के बारे में लिखा है। अब ये कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ट्रेजडी का डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये हैमलेट का ट्रेजडी वाला आंसर हो गया। अब रिवेंज के बारे में बोल होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कारण बनते हैं रिवेंज के। सो रिवेंज एज एन एस्पेक्ट ऑफ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले। रिवेंज कोई भी प्लॉट को, कोई भी ड्रामा को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए, स्टोरी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अपीयर इन मैनी प्लेसेस ऑफ शेक्सपियर, हेमलेट हैज नॉट वन बट मोर देन हैज वन रिवेंज प्लॉट। यहाँ पे एक प्लॉट नहीं है, बहुत सारे रिवेंजर है। हेमलेट कॉमिट हिमसेल्फ टू एवेंज हिज फादर्स डेथ। यहाँ पे एक फर्स्ट होते हैं, हेमलेट कॉमिट करते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अपने पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। एट हैंड्स ऑफ क्लॉडियस हिज अंकल, हु ऑल्सो मैरिज हिज मदर एंड बिकम द किंग ऑफ डेनमार्क, अनदर सन लेटेस ओ टू टेक रिवेंज फॉर द किलिंग ऑफ हिज फादर बाई हेमलेट। 14 ब्रॉस अटैक द किंगडम ऑफ डेनमार्क टू एवेंज हिज फादर्स डेथ ऑफ द हैंड ऑफ द ओल्ड किंग हेमलेट। यहाँ पे बताया कि एक तो होते हैं हेमलेट जो कि अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे होते हैं लेअर्टिस। लेअर्टिस होते हैं जो कि पोलोनियस के सन होते हैं, जो कि हेमलेट के द्वारा मरते हैं, मारे जाते हैं, तो वो भी अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। और तीसरे होते हैं 14 ब्रॉस जो कि नॉर्वे के प्रिंस होते हैं, उनके पिता की मृत्यु भी हुआ था ओल्ड किंग के हाथ, जो पुराने राजा होते हैं उनके हैंड्स उनके पिता की मृत्यु होती है, तो वो भी अटैक करते हैं डेनमार्क पे। तीन लोग एवेंजर हैं। द प्ले इज ए मेजर फिगर ऑफ रिवेंज ऑन अकाउंट ऑफ मोरल हेजिटेशन एंड फीलिंग ऑफ इनसुफिशियंसी लैक सॉरी इनसुफिशियंसी मिस होता है लैक या अभाव। फीलिंग ऑफ इनसुफिशियंसी मतलब भावनाओं का अभाव है, जो कि बहुत मुख्य कारण होता है मतलब रिवेंज प्ले का। और मोरल हेजिटेशन मतलब नैतिक झिझक, मतलब नैतिक विचारों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे कमी दिखाया गया है उसके कारण, और फीलिंग नहीं है कहीं भी किसी कैरेक्टर में। डैट इज मेजर फिगर ऑफ द रिवेंज प्ले। हेमलेट बिगेंस विद और टेरिफाइड बाई द अपियरिंग ऑफ द घोस्ट हु वुड नॉट स्पीक टू देम नॉर विल द घोस्ट टिल द रीजन। यहाँ पे अपियरिंग घोस्ट होता है, अपियरिंग के घोस्ट से वो टेरिफाइड हो जाते हैं और ना ही घोस्ट कुछ बोलते हैं और ना ही हेमलेट कुछ उनसे पूछते हैं। बट ही स्पीक टू हिमसेल्फ, यहाँ पे लेकिन घोस्ट अपने आप से कुछ कहते हैं, जिसको बोलते हैं सोलिलोक्यू या मोनोलॉग कहते हैं, यहाँ खुद से बोलते हैं। लिस्ट लिस्ट ओ लिस्ट इफ दाउ डिडस्ट इवर दाई डियर फादर लव। रिवेंज हिज फॉल एंड मोस्ट अननेचुरल मर्डर, मर्डर मोस्ट फॉल एज इन द बेस्ट इट इज, बट दिस मोस्ट फॉल स्ट्रेंज एंड अननेचुरल। ओ हॉरिबल मोस्ट हॉरिबल इफ दाउ हैस्ट नेचर इन द बियर इट नॉट, आर यू रिमेंबर मी। उनके पिता कहते हैं, कन्विंस करते हैं खुद से बोलते हुए कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और मेरा अननेचुरल डेथ हुआ है, मुझे नहीं हुआ है अननेचुरल डेथ हुआ, मतलब नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, मुझे मारा गया है और ये बहुत ही विचित्र है, भयानक है, लेकिन तुम्हें सुनना होगा और तुम जानते हो तुम्हारा नेचर इस तरह का नहीं है, तुम बर्दाश्त नहीं करोगे लेकिन तुम्हें करना होगा। और अपना कहानी ऐसे बताते हैं और लास्ट में ऑडियो करके नमस्कार नमस्कार करते मुझे याद रखना चले जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं वहाँ से। और उसके बाद क्या होता है, हेमलेट इज हॉरिफाइड टू लर्न दैट द मर्डर इज क्लॉडियस, सो ही बिकेम फाइड मैडनेस। वो बहाना बनाते हैं, एक काल्पनिक मतलब पागलपन का बहाना बनाते हैं इस सुनते हुए कि एक बदला लेने के लिए। अ ग्रुप ऑफ एक्टर केम टू द कैस्टल एंड हेमलेट बिसाइड टू हैव देम एक्ट आउट ऑफ ए ट्रेजडी विच कंटेन एन इंसिडेंट। यहाँ पे वही होता है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था और समरी में बताया था कि वहाँ पे एक्ट आउट करते हैं हेमलेट के सामने, जस्ट लाइक द मर्डर ऑफ द ओल्ड किंग, जो भी जैसे भी उनके पिता की मृत्यु हुई थी वैसे ही वो एक्ट करते हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक द मर्डर ऑफ एन ओल्ड किंग हेमलेट। हेमलेट होप्ड
to determine Claudius' guilt by the later reaction to the play. If he reacted guilty, the ghost was not an evil spirit. Claudius suspects the truth is out and plans to send Hamlet to England. और यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर उनके रिएक्ट होता है, अपराध का एक बोध होता है, रिएक्ट करते हैं तो समझ लीजिए वो सही है, तो वहाँ पे रिएक्शन आता है क्लॉडियस के चेहरे पे और वो अपराधी एक होता है ना, आतंकित हो जाते हैं, भयभीत उनके चेहरे पे दिख जाता है भय और आतंक, और वहाँ से सोचते हैं, सस्पेक्ट होते हैं कि कैसे ये ट्रूट आउट हो गया, और इसी डर की वजह से उनको वो इंग्लैंड भेज देते हैं उनके फ्रेंड के साथ. When player present the murder of the old king Claudius left the royal court in terror of revenge at the hand of Hamlet. He ordered Rosencrantz and Guildenstern to take Hamlet to England and plan to have him killed. यहाँ पे सब बताया कि क्या क्या कारण होते हैं रिवेंज का. वहाँ पे एक दिया गया है फिगर और लीव करते हैं रॉयल कोर्ट की डर की वजह से छोड़ देते हैं कि कहीं उनके मृत्यु का बदला ना ले, उनके पिता की मृत्यु का हैमलेट के द्वारा, और वो भेज देते हैं और वहाँ प्लान करते हैं उनको मारने के लिए. तो एलोन क्लॉडियस क्या करते हैं यहाँ पे अकेले, ट्राई टू प्रे, यहाँ पे वो प्रे करते हैं. ओ माई ऑफेंस इज रैंक इट स्मेल टू हेवन इफ हैथ द प्राइमल इलरेस्ट कर्स अपान इट. Is there not rain enough in the sweet heaven to wash it white as snow? वो यहाँ पे गिल्ट मतलब अपराधी थे और यहाँ पे वो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, अपने गलतियों की क्षमा मांगते हैं गॉड से, कहते हैं मैंने अपने लिस्ट मतलब अपने बड़े भाई को मारा है, इसका कहीं इसकी खुशबू इसकी जो वहाँ पर पहुँच गई है हेवन में पहुँच गई है और मेरे बहुत ज़्यादा कर्ज है, आपका श्राप मेरे पे लगा है और इसका कहीं मतलब कैसे प्रायश्चित करूं और मुझे क्षमा करें, और बहुत सारे ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं यहाँ पे. On the other hand, Hamlet, confused between his belief that the ghost was actually his father's spirit and whole just cause to approach his son, his understanding that it was an evil spirit and meant to cause trouble, Hamlet is shocked as much by his father's murder. By the help of his mother, we find Ophelia collaborating with her father against him. यहाँ पर ऑफेलिया भी हेल्प करती है अपने पिता की अगेंस्ट हिम, मतलब हेमलेट के विरोध में हेल्प करती हैं, और जो कि ऑफेलिया से वो लव करते हैं, और यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, वही जैसे बताएं कि इविल स्पिरिट अपने पिता की आत्मा पे वो कन्फ्यूज होते हैं कि क्या उनके पिता की आत्मा मतलब सही है या गलत है, और कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि बुरी आत्माएं तो मतलब ट्रबल होती हैं, सिंबल होती हैं परेशानियों का, साइन नहीं होती अच्छी अच्छी चीज़ों का, तो उसमें वो कन्फ्यूज होते हैं और डिसाइड करते हैं बाद में उनको बदला लेने के लिए क्लॉडियस का. पोलोनियस लॉक ऑफ रॉयल्टी टू द ओल्ड किंग हेमलेट हिज फ्रेंड्स अटेम्प्ट टू अलाउ देमसेल्फ टू बी वेड बाय द किंग शेक्सपियर फुलफिल हेमलेट विद द फाइनल करेक्टरिस्टिक विच रियलाइज द रिवेंज प्ले. और यहाँ पे पोलोनियस के बारे में बताया गया है और इस प्रकार शेक्सपियर हेमलेट के जो फाइनल होता है चरित्र उसके द्वारा ये रिवेंज प्ले को बंद ख़त्म करते हैं कि ये क्या जो होता है उनका जो फाइनल होता है चरित्र उसके द्वारा हम लोग एक डिसीजन निकालते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, दिस इज द रिवेंज प्ले. एट लास्ट बोथ क्लॉडियस एंड हेमलेट्स मदर डाइड बट द स्टडी ऑफ रिवेंज थिंक हैज सम जस्टिफिकेशन सो इट इज ए रिवेंज प्ले एंड ए फुल ऑफ ट्रेजडी. अब इतने सारे कारण देने कॉजेज देने के कारण है कि ये मतलब ये रिवेंज प्ले है. यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर एंड होता है और मैं नेक्स्ट ये वीडियो हेमलेट का ख़त्म होता है. मैंने हेमलेट का समरी बनाया है एक वीडियो में और दूसरे वीडियो में मैंने हेमलेट का क्वेश्चन आंसर एक लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आंसर ये है वीडियो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. यू विल वॉच नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.